Supreme Court is all set to deliver today its verdict on whether same-sex marriages should be legally recognized in India or not. A constitution bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachur and comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, S. Ravindra Bhatt, Hima Kohli and P.S. Narasimha had reserved their verdict on the matter in May after hearing a batch of 20 petitions. Naveen Nishant, my colleague, is joining us for more details on this story. Naveen, all eyes on the Supreme Court for this verdict today. What time is it expected? But Aditya, same-sex marriage पे सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो सुबह 10:30 बजे है वो सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाने वाली है और 18 से भी ज्यादा याचिकाएं यानी तकरीबन 20 के करीब इस संबंध में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उन सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो मसला है जो मामला है उस पर सुनवाई की थी, दोनों पक्षों की दलील सुनी थी और मई के महीने में इस पर फैसला रिजर्व कर लिया था और आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसको लीड भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ वो कर रहे हैं, वो इस पर अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे और आज ये साफ हो पाएगा कि क्या भारत में जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगल होगा या फिर उसकी जो मान्यता है वो वैसी ही बरकरार रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे जो मामला है उसका विरोध किया गया था। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि कई राज्यों से इस संबंध में सलाह ली गई है और राज्य भी इसके खिलाफ हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में फैसला आ रहा होगा तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि अभी के समय बात करें तो समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। जो तमाम धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारत में जो विवाह होती है वो एक कहीं ना कहीं एक संस्था होती है और सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने से उस संस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। बात अगर सोशल वर्कर्स की करें जो जो इनके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें भले ही जो LGBTQ समुदाय है उन्हें भले ही कानूनी मान्यता मिल गई हो लेकिन अभी भी उनके सामने कई तरह की दिक्कत होती हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर बच्चा एडॉप्ट कोई करना चाहे भारत में तो उसके लिए एक अलग अलग प्रक्रिया है। अगर आप एक कपल हैं, मैरिड कपल हैं, तो आप शादी के 2 साल बाद आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल मदर हैं तो भी आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। सिंगल फादर हैं तो आप एक मेल बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन LGBTQ समुदाय के लिए अभी तक कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि जिसके कारण वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। तो जो तमाम LGBTQ समुदाय हैं उनके सामने कहीं ना कहीं अपनी पहचान की दिक्कत है और इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी जिस पर एक लंबी सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मई के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस पर फैसला रिजर्व रखा था और आज सुबह 10:30 बजे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजों की वो इस पर फैसला सुनाने वाली है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.